जब हम शास्त्रों में देखते हैं, सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है, उसमें है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीज़ें मिलकर बनती है, वो है सत, चित्त और आनंद। जो ये तीन चीज़ों को जीवन में समझ लेगा सही से, उसने भगवान को समझ लिया, क्योंकि भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है। तो सबसे पहला है सच, जो कहा गया सच की राह पर चलो, जो हम ये एक्चुअली आपने एग्जैक्ट वर्ड उस वक्त बोले, मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकले, अरे 5 मिनट, अरे सिग्नल पे खड़ा हूँ, अरे बस पहुँच गया, अरे क्या हो गया, वो दो बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं। ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते, और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं। जिंदगी का सच सामने आएगा तब तो बैंड ही बज जाएगी पूरी, क्योंकि वो कठिन है। जिंदगी आसान नहीं है किसी के लिए, नहीं भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। तो सुखी तो कोई नहीं रहा यहाँ पर, आपको सुख खुद ढूंढना पड़ता है, आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने चॉइसेस को लेकर। तो इसीलिए पहला सत है, दूसरा चित है, अवेयरनेस। हम अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, हम इग्नोर करते हैं। अवेयरनेस और इग्नोरेंस ये ऑपोजिट्स हो गए, कि आप कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते, बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर, मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे, पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा, सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूँ वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा भगवान। मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज़ है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे। तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूँ। वो भगवान है भाई, उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूँ, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ। अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे हैं, गलत साबित करने के लिए। और दुनिया के लिए भी, आप किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसलिए पढ़ता हूँ चलो। तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पर ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है, और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं। पर आपको जो बस साबित करना है, आप उस, लोग सुनते भी आजकल इसीलिए हैं। मैं कथा में एक बात कहती कि उस आजकल कथा ही बची है सुनने वाली चीज़, वरना आप कहीं भी दो लोगों को देखिए वो बोलेगा मैं बोलता हूँ, नहीं नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं नहीं मैं बोलता हूँ। दुख देखिए किसी के प्रॉब्लम्स को, एक बोलता रहे मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, अरे मेरी उससे भी खराब है। आप किसी से मदद भी कहाँ मांगेंगे, कि वो एक दुख सुना वो चार सुनाता है, तो क्या ही मदद मांगे कि तू मेरे से दुखी है, तू मेरे से और 500 रुपये रख भाई। तो लोग हर वक्त कोई सुनना नहीं चाह रहा, और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूं, कि ये खत्म करे बस, जल्दी से ये चुप हो ताकि मैं बोलूं। तो ये बंद करिए। भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुनी थी, एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, उसकी पूरी बात सुनी। क्यों? तभी वो आंसर ठीक से कर पाएंगे। अगर आप बीच में हर चीज़ में इंटरप्ट करेंगे, लोगों के ओपिनियंस में इंटरप्ट करेंगे, तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि बोलोगे तो वही जो आता है, पर सुनोगे तो कई बार ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो नहीं आता है।